मेरा भाई ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है। या तो पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है या वो किसी साजिश का शिकार हुआ है। देखिए, मुजरिम के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो मुजरिम है। मेरा भाई मुजरिम नहीं था, मुझे पूरा विश्वास है। रंगे हाथों पकड़ा गया था वो। अरे पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है वो आधे किलो माल के साथ भाग रहा था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी दे दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। देख, हमारे साथ मगजमारी मत कर। हमने कह दिया ना कि हम पुलिस रिपोर्ट की कॉपी किसी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या मुझे पूरी बात जानने का हक नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ हुआ क्या था, ऐसे क्या हालात थे कि उसे रोकने के लिए पुलिस को एक के बाद एक तीन गोलियां चलानी पड़ी। हादसा एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ था? क्या पुलिस के अलावा वहां पर कोई और भी आई विटनेस था? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई मुजरिम था तुम्हारा भाई। सर, और उसका वही अंजाम हुआ जो कि पुलिस मुठभेड़ में एक खतरनाक मुजरिम का हो सकता है। देखो, ये एक सरकारी मामला है। इस तरह से हम पुलिस रिकॉर्ड की कॉपी हर मुजरिम के घर वालों को बांटते रहे तो एक नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। तुम्हारे भाई का केस बंद हो चुका है, अब तुम घर जाओ और हमें अपना काम करने दो। मगर सर, बस पिछली बार एक आम आदमी समझ के मैंने आपकी मदद की थी, मगर इस बार अगर आपने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो मुझे आपके साथ उसी तरह से पेश आना पड़ेगा जैसे एक मुजरिम के बड़े भाई के साथ आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तुम लोग आओ मेरे साथ। दिल बड़ा करके सब कुछ भूल जाइए साहब। खरीदने से जख्म बढ़ते नहीं है, हरे हो जाते हैं। जब चाहे आप अपने भाई की राख को ठंडा हो जाने दीजिए। टटोलने से तो आप खुद अपनी उंगलियां जला बैठेंगे। दिल नहीं मानता महमूद भाई, जो इल्जाम वो मेरे भाई पे लगा रहे हैं वो कभी सच नहीं हो सकता। समझ में नहीं आता वो भाई खला कैसे पहुंच गया, वो भी ड्रग्स के साथ। महमूद भाई, आपको मेरी मदद करनी होगी। पुलिस रिकॉर्ड रूम में उस रिपोर्ट की कॉपी जरूर होगी, अब वो कॉपी मुझे दिला दीजिए, मैं उसे खुद पढ़ना चाहता हूं। यूं समझ लीजिए, उस रिपोर्ट के जरिए मैं अपने भाई को आखिरी बार मिल सकता हूं। मैं जानता हूं साहब, आपके दिल में अपने भाई के लिए जो प्यार है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मिला तो थोड़ी देर के लिए ही था उसे, अच्छा लड़का लगा मुझे। आप चाहिए साहब, मैं कोशिश करूंगा। अगर मेरा बस चला तो दो दिन के अंदर उस पुलिस केस की कॉपी आपके पास होगी। थैंक यू महमूद भाई, थैंक यू वेरी मच। साहब, कोई पुलिस वाला आया था, नाम नहीं बताया, सिर्फ ये देके चला गया। ठीक है, और जब हमारी टीम गाड़ी के पास पहुंची तो वो मर चुका था। He was dead on the spot.
मिला तो थोड़ी देर के लिए ही था उसे। अच्छा लड़का लगा मुझे। देखिए, जितना कुछ मुझे मालूम था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप जानते हैं महमूद भाई, जरूर कुछ ऐसा जो आप उसे छुपा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने उन्हें टिप दी, उन्होंने अनुज का पीछा किया। अनुज ने अपनी गाड़ी रोकी नहीं, इसलिए मजबूरन उन्हें उस पर गोली चलानी पड़ी, जिससे उसी वक्त उसकी मौत हो गई। अगर ये सब सही है तो फिर आप अनुज से कहां मिले थे? मैं उसे कहां मिला था? मैंने तो बस लाश देखी थी उसकी। अगर आप उसके मरने से पहले उससे नहीं मिले थे तो आपने ये कैसे कह दिया कि वो अच्छा लड़का था? महमूद भाई, मैं अपने भाई को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपका एक जवाब उसके माथे पे लगे दाग को हमेशा के लिए मिटा सकता है। उस दिन तो आप कह रहे थे दिमाग खराब हो गया था मेरा उस दिन। पता नहीं क्या क्या बक्या मैं। सच वही है जो कि उन तीन लोगों ने उस रिपोर्ट में लिखा है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। महमूद भाई प्लीज, देखिए मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, मैं जो कुछ भी कर सकता था वो सब कुछ मैंने आपके लिए किया। अब आप एक एहसान मेरे पर कीजिए कि आज के बाद आप मुझसे मत मिलिएगा। जाना है साहब? 201। 201? 201 तो बंद है। सक्सेना साहब तो कभी का छोड़ के चले गए। आपको मालूम है कहां गए? ये नहीं बता सकता साहब, ऑर्डर नहीं है। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आपको मंगता है तो आप सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए, उन्होंने एड्रेस देने से बिल्कुल मना किया है अपने को। देखो मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूं, मेरे पास उनके नाम का एक ड्राफ्ट है। अगर मैं उनसे नहीं मिला तो उन्हें 5 लाख का नुकसान होगा और तुम्हें 500 का। थैंक यू साहब। एड्रेस? कहिए। सक्सेना साहब हैं जी? आप? आदित्य श्रीवास्तव। आइए। कहिए। मिस्टर सक्सेना, लेकिन आप कौन हैं? जी मैं अनुज का बड़ा भाई हूँ। रमोना घर पे नहीं है? देखिए मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। रमोना दोस्त थी उसकी, मैं उससे मिलकर। रमोना किसी से नहीं मिल सकती, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। पर उसे हुआ क्या है? अनुज की मौत से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो तुमसे मिलेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए प्लीज यहां से चले जाओ। देखिए, देखो मिस्टर, तुम्हारा भाई मर चुका है लेकिन मेरी बेटी अभी तक जिंदा है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। मेहरबानी करके यहां से चले जाइए। मगर सर, मैंने कहा ना प्लीज यहां से चले जाइए। रमोना, मैं आदित्य, अनुज का बड़ा भाई। मैं
मैं किसी अनुज को नहीं जानती। ऐसा मत कहो रमा, मैं मुंबई से सिर्फ तुम्हें मिलने आया हूँ। अनुज के साथ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं किसी अनुज को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी अनुज को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। परेशान करने नहीं आया हूं, तुम अनुज से प्यार करती थी, शायद इसीलिए एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। उसके जीते जी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया, पर उसके मरने के बाद मैं अनुज के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। क्या वो सचमुच एक ड्रग पेडलर था? अगर हाँ तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, पर अगर ये झूठ है तो मैं उस पर लगे बदनामी के दाग को मिटाना चाहता हूं, और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं होटल ट्यूक्स में ठहरा हूं, कल सुबह तक अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, पर अगर तुमने अनुज को सच्चे दिल से प्यार किया है तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। से झगड़ा करके वो मेरे पास आया था, बहुत प्यार करता था आपसे, शायद इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बहुत डिस्टर्ब था वो। जब भी उसका मूड खराब होता था हम लोग ड्राइव पे जाते थे, उस दिन भी हमने ऐसा ही किया। मैं भैया का दिल दुखाना नहीं चाहता था, मगर गुस्से में मुझसे निकल गया। It's all right, अनुज, गुस्से में होता है। भैया भी इतना ही चाहते हैं कि तुम कोई उल्टे सीधे काम ना करो। रमुना, मैं जब भी उन्हें अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करता हूँ मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो जाता है। Don't worry, अनुज, I'm sure भैया तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं रमोना, शायद इस पर भैया मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स, आई एम श्योर भैया तुम्हें माफ कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है बे? आपका प्रॉब्लम क्या है? ए, देर रात तक गाड़ी में छोकरी के साथ चुम्मा चाटी करता है और हमको पूछता है प्रॉब्लम क्या है। हाँ, गाड़ी के बाहर तेरे को पूरी डिटेल में बोलता है प्रॉब्लम क्या है। चल बाहर आ, इस टाइम में यहाँ पे क्या कर रहा है? बातें कर रहा था, वो लाइसेंस, गाड़ी का पेपर। बातें कर रहा था और दूसरी कोई जगह नहीं मिली क्या? चल दे लाइसेंस दे। क्यों, यहाँ पर बैठकर बातें करना मना है क्या? लाइसेंस। अरे लाइसेंस देना। देखिए, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं, आप इस तरह मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते। लॉ का स्टूडेंट है, लॉ तो नहीं है ना? कानून का स्टूडेंट होना अच्छी बात है।
लेकिन कानून को कानून सिखाना बुरी बात है। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ बैठकर लाइसेंस नहीं है सर। दादा तलाशी लो उसकी। कुछ नहीं सर। उसकी भी आप एक औरत की तलाशी ऐसे कैसे करवा सकते हैं? क्यों मैडम को मर्दों के टच से औरतों का टच ज्यादा पसंद है क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। यादव गाड़ी में डाल इसे। कौन से चार्ज में? चल बताता हूँ कौन से चार्ज में। तू चार्ज चार्ज नंबर एक, आधी रात को पब्लिक प्लेस में इश्कबाजी करना। चार्ज नंबर दो, पकड़े जाने पर पुलिस स्टेशन आने से इनकार करना। चार्ज नंबर तीन, पुलिस ऑफिसर्स को गाली निकालना, उन पर हमला करना और उन्हें जान से मारने की धमकी देना, वो भी दारू के नशे में। दारू के नशे में मैं नहीं, तुम लोग हो। चार, एसीपी यशवंत ठाकुर से ऊंची आवाज में बात करना। झूठे सर, एसीपी साहब से ऊंची आवाज में बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है। अनुज, अनुज, अनुज। जी आवाज में बात करेगा। तेरी